क्रेविंग्स की वजह से हम अपनी डाइट पे स्टिक नहीं कर पाते, सडन क्रेविंग्स होने पे हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, और जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज की क्रेविंग होती है, जब तक हम उसे खा नहीं लेते तब तक तसल्ली नहीं मिलती। बाद में रिग्रेट होता है, बट तब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होता। तो इन क्रेविंग्स के साथ कैसे डील करना है, अपनी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है कि ये क्रेविंग्स हमें परेशान ना करें, और क्रेविंग्स होने पे क्या करना है कि वो हमसे दूर भाग जाए। आज इन सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। मैं समझती हूँ कि क्रेविंग्स एक बहुत ही नॉर्मल चीज है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी तब मैंने भी क्रेविंग्स की प्रॉब्लम के साथ डील किया और फाइट किया। ऑनेस्टली इजी नहीं था, बट डिटर्मिनेशन इतनी थी कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल ही लिए थे। तो वही सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। हमें क्रेविंग्स क्यों होती है? मैंने कई जगह पे पढ़ा है कि क्रेविंग्स बॉडी में किसी ना किसी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। वेल दैट्स ट्रू, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। अभी मैं आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स शेयर करती हूँ जब आप कुछ ना कुछ खाने को क्रेव करते हो, और अगर आप इन इंसिडेंट से खुद को रिलेट करो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एक होती है इमोशनल क्रेविंग। जब हम बहुत खुश होते हैं तो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कुछ अच्छा खाने का क्रेव करते हैं। सिमिलरली जब हम सैड होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं तब भी हमारा कुछ अच्छा खा के अपना मूड लिफ्ट करने का मन करता है। एक होती है सीजनल क्रेविंग, मतलब सर्दियों में गर्मा गर्म गाजर का हलवा, या फिर गर्मियों में लेमन सोडा, या बारिशों में चाय और पकौड़े खाने की क्रेविंग होती है। एंड देन देयर इज हार्मोनल क्रेविंग। पीरियड्स में या फिर पीएमएस में हमारा हॉट चॉकलेट और इस तरह के और कंफर्टिंग फूड्स खाने का मन करता है। और होती है सिचुएशनल क्रेविंग, जैसे पहाड़ों पे जाके मैगी और मोमोज खाने का मन करता है, स्कूल कैंटीन का समोसा खाने का मन करता है। एंड देन देयर इज रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्रेविंग, मतलब जब हम किसी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं और खुद को किसी एक पर्टिकुलर फूड सेगमेंट से, फूड कैटेगरी से ज्यादा देर तक दूर रखते हैं तो हमारा वही फूड आइटम खाने का मन करता है। और यही रीजन है कि जब हम कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो हम वही चीज क्यों बार बार सोचते हैं जिससे हमें दूर रहने के लिए कहा गया होता है। बट कोई बात नहीं, अभी इन्हीं चीजों के सॉल्यूशंस पे हम आने वाले हैं। अगर सच में आपने क्रेविंग्स के साथ डील करना सीखना है तो पहले ये जानते हैं कि क्रेविंग्स है क्या। इज इट बायोलॉजिकल, मतलब कि क्या ये कुछ हॉर्मोन्स की वजह से है, या फिर साइकोलॉजिकल, इज इट जस्ट इन योर हेड। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रेविंग्स इज बिकॉज ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रीजंस। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर केंट बेरिज की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग क्रेविंग्स हमारी बॉडी का रिवॉर्ड सिस्टम की तरह है। मतलब जब हमारी बॉडी रिवॉर्डेड फील करना चाहती है, बेटर फील करना चाहती है, कुछ डिफरेंट फील करना चाहती है, तब वो किसी चीज को क्रेव करती है। मतलब अगर आपकी बॉडी जिस भी स्टेट में है उसको बेटर फील करने के लिए, उसको एक डिफरेंट स्टेट में फील करने के लिए हम अलग अलग चीजों को खाने के लिए क्रेव करते हैं। और अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करें तो क्रेविंग्स के पीछे बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम जनरली हाई कार्ब्स एंड हाई कैलोरी वाले फूड को क्रेव करते हैं, जैसे कि ब्रेड्स, बेकरी और डेजर्ट्स। वो इसलिए क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम से ही हमें अपनी बॉडी में एक्सेस कैलोरी स्टोर करने की हैबिट है। अर्ली मैन को खाना हंट करने के लिए बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता था, और जैसे ही उसे अपना शिकार मिलता था वो उसे ओवर ईट कर लेता था ताकि ज्यादा देर तक पेट भरा रहे। अब सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है, हमें अपना खाना हंट नहीं करना पड़ता, बट तब भी बायोलॉजिकली हमारी बॉडी को आदत है ज्यादा कैलोरी, ज्यादा कार्ब स्टोर करके रखने की। तो जैसे ही टेबल पे खाना लगता है हम इस तरह खाते हैं जैसे कि हमें वो फिर से नहीं मिलने वाला। तो चलो, ये हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद क्रेविंग। टिप नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई योर क्रेविंग्स। क्रेविंग्स को कभी भी भूख के साथ कंफ्यूज मत करो, बिकॉज ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। कई बार हम क्रेविंग्स को भूख के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, इससे हम अपनी क्रेविंग को जस्टिफाई कर लेते हैं और उसके शिकार हो जाते हैं। बल्कि जब हमें भूख लगती है तो कोई भी नॉर्मल हेल्दी खाना खा के भूख मिट जाती है, बट क्रेविंग एक पर्टिकुलर चीज की होती है और तब हमें सिर्फ एक वही चीज चाहिए होती है। भूख के टाइम पे अगर हम ज्यादा देर तक ना खाएं तो गैस, एसिडिटी और हेडेक्स होता है, बट क्रेविंग्स के केस में सिर्फ हमारा मूड खराब होता है। रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट योर बॉडी वॉन्ट्स टू बी इन अ डिफरेंट स्टेट, इट वॉन्ट्स टू फील बेटर। और सबसे बड़ा डिफरेंस, भूख तब तक नहीं मिटती जब तक हम कुछ खा नहीं लेते, बट क्रेविंग्स एक तेज हवा के झोंके की तरह है। अगर एक बार हम उसको कंट्रोल कर लें तो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाती है। तो अब इसे कंट्रोल कैसे करना है वो हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टिप नंबर 2 इज टू फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव। कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छोटी छोटी चीजों में छुपे होते हैं, और इसी तरह के छोटे छोटे और हेल्दी और ऑल्टरनेटिव हमने ढूंढे हैं। अगर आपका कुछ मंच करने का मन कर रहा है, कुछ चिप्स खाने का मन कर रहा है, तो उसे आप हेल्दियर चीजों से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि आप पॉपकॉर्न खा सकते हो, मखाने खा सकते हो। चॉकलेट्स खाने का मन कर रहा है तो आप डार्क चॉकलेट्स प्रेफर कर सकते हो। हाई कार्ब्स वाली चीजें खाने का मन कर रहा है तो आप ओट्स या होल व्हीट से बनी चीजें खा सकते हो। अगर क्रीमी डिप्स और मेयोनीज खाने का मन है तो आप हंग कर्ड से बनी चीजें खा सकते हो।
और अगर आपकी क्रेविंग रिस्ट्रिक्टेड डाइट की वजह से है, मतलब अगर आप अपने आप को किसी चीज से बहुत देर तक दूर रख रहे हो उस वजह से अगर आप उसको क्रेव कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस केस में आप अपने कोच यानी कि अपने डाइटिशियन के साथ डिस्कस करो। या तो वो आपको एक बेटर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे या फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कब कितना और कैसे खाना है। यहाँ पे मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले जब मैं आयम बाव के साथ डाइट प्लान पे थी तो मेरा मीठा खाने का मन किया और मैंने अपने कोच के साथ डिस्कस किया कि मुझे स्वीट्स खाने की क्रेविंग हो रही है। Then she suggested me तो basically एक one piece date या dry fix ले सकते हो। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आप खाना खाने के बाद एक पीस खजूर का खा सकते हो। मैंने 2-3 दिन इस ट्रिक को फॉलो किया एंड ट्रस्ट मी उसके बाद मुझे मीठा खाने की क्रेविंग बिल्कुल नहीं। तो ऐसे केसेस में आप भी अपने कोच अपने डाइटिशियन के साथ डिस्कस करके एक बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। टिप नंबर 3 इज डोंट रिप्लेस वाटर विद फूड। हियर मी अगेन, डोंट रिप्लेस वाटर विद फूड, बिकॉज कई बार हम अपनी प्यास को पानी ना पीने की वजह से क्रेविंग या फिर भूख के साथ रिप्लेस कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो खुद को हाइड्रेटेड ना रखने की वजह से भी हमें क्रेविंग्स होती हैं। क्या सिंपल सी चीज है, आप हमेशा अपने साथ एक पानी की बॉटल रखो और उसमें से पानी सिप कर दो। दिस इज द लीस्ट दैट वी कैन डू। आप इन्फ्यूज वाटर भी ले सकते हो जो कि क्रेविंग्स को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। मैं हमेशा अपने साथ इन्फ्यूज वाटर की एक बॉटल रखती हूँ एंड आई कीप सिपिंग इट। इट रियली हेल्प्स मी टू स्टे अवे फ्रॉम द क्रेविंग। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फ्यूज वाटर की रेसिपीज भी शेयर करी हैं। इफ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड चेक देम आउट। टिप नंबर 4, कीप योरसेल्फ बिजी एंड एंगेज्ड, क्योंकि खाली दिमाग नेगेटिव थॉट्स और जंक फूड का घर होता है। जितना आप खुद को बिजी रखोगे, एंगेज्ड रखोगे, इन्वॉल्व रखोगे, क्रेविंग्स को आपकी लाइफ में आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी इन वर्क, रिलेशनशिप्स, सोशल लाइफ, सो दैट क्रेविंग्स आल्सो से अब क्या होगा, अब क्या होगा। टिप नंबर 5 इज टू पोस्टपोन योर क्रेविंग्स। जब आपको किसी चीज की क्रेविंग होती है तो उसे अवॉइड करने की जगह पोस्टपोन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा आज बर्गर खाने का मन है तो ये सोचना कि नहीं यार मैं बर्गर नहीं खाऊंगी इज वेरी डिफिकल्ट। बट ये सोचना कि मैं संडे बर्गर खा लूंगी इज मच ईजियर, क्योंकि इससे हम अपनी क्रेविंग्स को दबाते नहीं है, बस डिले करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में संडे आने तक वो क्रेविंग बचती नहीं है। बट तब भी अगर वो क्रेविंग बच जाए तो आप माइंडफुल होके उसे अपनी डाइट में एडजस्ट कर सकते हो और आगे पीछे कॉम्पनसेट कर सकते हो। सो दिस इज वाई इफ यू क्रेव फॉर समथिंग देन इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग इट जस्ट डिले। एंड टिप नंबर 6 इज टू टेक इट नॉर्मली, कीप इट नॉर्मल। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर हम खुद को किसी पर्टिकुलर चीज से ज्यादा देर तक दूर रखने की कोशिश करते हैं, हम उसी चीज को खाने के लिए सबसे ज्यादा क्रेव करते हैं। कई बार हम खुद से बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर लेते हैं कि अब से मेरे को सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स खानी है, सूप्स एंड सैलेड्स पे रहना, ये नहीं खाना, वो नहीं करना। गाइस गाइस गाइस, हम कोई साधु संत नहीं है, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। तो प्लीज अपने साथ कुछ एबनॉर्मल या एक्सट्रीम कमिटमेंट्स ना करें। अगर आप रोज हेल्दी, घर का बना हुआ, साफ सुथरा और बैलेंस्ड फूड खाओगे, जैसे जिसमें कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चीजें होंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली क्रेविंग्स बहुत कम होंगी। रिमेंबर, क्रेविंग्स तब होती हैं जब हम खुद को किसी चीज से बहुत देर तक दूर रखने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो फूड हो या फिर कोई इंसान। जितना उससे खुद को दूर रखोगे वो उतना ही आपको अपने पास बुलाएगी। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ बिग डील, जस्ट टेक इट नॉर्मल। आई होप आपको ये सभी टिप्स यूजफुल लगी होंगी, और अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो। एंड अगर आपको अपने फिटनेस गोल्स अचीव करने के लिए कस्टमाइज पर्सनलाइज डाइट या वर्कआउट प्रोग्राम चाहिए, तो उसके लिए आप आई एम बाव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो, जिस प्रोग्राम के अंडर आपको एक 1-to-1 कोच मिलेगा जो आपको काउंसिल करेगा और आपके फिटनेस गोल्स अचीव करवाने में आपकी हेल्प करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, फिट रहो, हिट रहो।